नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेबी न्यूज में। मैं चंद्रभूषण विश्वकर्मा। एक तरफ लॉकडाउन का माहौल है, सरकार सैटरडे और संडे की दुकानों का बंद का आदेश कर रही है, लेकिन थाने के बागले स्टेट स्थित साठेनगर में शराब व्यवसायियों के लिए मानो ना कोई नियम है ना कोई कानून है। आज जेजेबी न्यूज के कैमरे में कैद हुए कई ऐसे शराब व्यापारी, तो वहीं एक होटल व्यापारी जो खुलेआम सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और खुलेआम शराब का व्यापार कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में क्यों है, यह एक बड़ा सवाल है। क्या श्रीनगर पुलिस के अंतर्गत में आने वाले ये सभी साठेनगर शराब व्यवसायी पुलिस की साठ गांठ से और स्थानीय प्रशासन की मिली जुली भगत होने की वजह से क्या ये लोग इस तरह से खुलेआम शराब का व्यवसाय कर रहे हैं, तो वहीं आम दुकानों पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफ सरकार बड़े बड़े वादे करती है और लोगों से अपील कर रही है कि लोग सहयोग करें कोरोना से जंग जीतने में, तो वहीं ये शराब व्यवसायी खुलेआम शराब का धंधा कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो ये सारे शराब व्यवसायी स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की जेबें समय पर गर्म करते हैं, शायद इसलिए इनको खुलेआम छूट है, बाकी लोगों पे कार्रवाई होती है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से बेखौफ होकर आकाश बार का यह वर्कर 180 रुपए का मैकडोनल्ड शराब 200 रुपए में बेच रहा है। देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रशासन इन पर क्या कार्रवाई करती है। आपको बता दें कि साठेनगर स्थित आकाश बार एवं रेस्टोरेंट खुलेआम शराब का धंधा कर रहा है, तो वहीं उसी से सटे ममता देसी बार में भी खुलेआम शराब पिलाया जा रहा है, खुलेआम शराब बेचा जा रहा है। आज संडे होने के बावजूद भी रविवार और शनिवार को सरकार का गाइडलाइन है, सभी दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन ममता देसी बार में भी इन सारे नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इन पर भी रोक लगाने में नाकामयाब दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह ममता देसी बार के पीछे वाले रास्ते से खुलेआम 60 रुपए वाली देसी शराब को 80 रुपए में बेचा जा रहा है, तो वहीं कई लोग खड़े होकर शराब पीते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि प्रशासन इस बार पर क्या कार्रवाई करती है। क्या इस मामले पे स्थानीय प्रशासन गंभीरता लेगा या फिर अपनी नाकामयाबी का ताल ठोक कर लोगों को कहेगा कि हमारा शहर तो तरक्की वाला शहर है, हमारे शहर में अपराध नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। हम पूछना चाहेंगे स्थानीय प्रशासन से कि क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। तो वहीं आपको बता दें कि वागले आगार बस डेपो के सामने एक होटल में किस तरह से खुलेआम शराब परोसा जा रहा है। होटल बंद तो शराब की दुकान चालू, लेकिन स्थानीय प्रशासन के आशीर्वाद से खुलेआम शराब परोसा जा रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से वागले बस डेपो के सामने एक होटल व्यापारी खुलेआम शराब बेच रहा है और पुलिस अपनी जेब गर्म करती है, चली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। देखना यह है कि श्रीनगर पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले इन तीनों व्यापारियों पर क्या पुलिस लगाम लगा पाएगी या फिर उनके आला अधिकारी अपने अधिकारियों को पीठ थपथपाएंगे कि हमारे यहाँ तो कुछ भी ना भ्रष्टाचार है ना कोई काला कारनामा। तो अगर ये काला कारनामा नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या है। मैं पूछना चाहूंगा स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारियों से कि क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी या सिर्फ अपने नाकामयाबी को आप लोग कामयाबी बताकर झूठा ढिंडोरा पीटते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन आपसे एक अपील है कि अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर
घंटी वाला बटन दबाइए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए और अपने दोस्तों में इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जल्दी हाजिर होंगे हम नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दिल्ली से लेकर गली तक, समस्या से लेकर समाधान तक, वादों से लेकर काम तक, अब होगी हर काम की जमीनी पड़ताल। हम उठाएंगे जन समस्या, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। देखना ना भूले जेजेबी न्यूज पर आपका अपना कार्यक्रम जन समस्या।